हाई गाइज़ कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब लाइफ में अच्छा कर रहे हो खुश हो पॉजिटिव हो और लाइफ में आगे बढ़ रहे हो सो so गाइज़ आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग योर नेक्स्ट थर्टी डेज नेक्स्ट थर्टी डेज़ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इन द नेक्स्ट थर्टी डेज सो जब भी आप ये वीडियो पे क्लिक करोगे तब से लेकर थर्टी डेज तक की रीडिंग होगी ओके सो आप के सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स Card number one we have is the Mercury Open Communication. And second card we have for you is Hilarion Divine Healing. सो so, जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज कर सकते हैं एंड देन यू विल स्टार्ट योर रीडिंग विद ग्रुप नंबर वन हेलो ग्रुप नंबर वन तो आपने चूज करा है कार्ड मर्क्यूरी ओपन कम्युनिकेशन आपके लिए जो मैसेज है वो पढ़ लेते हैं पहले गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड आई गेस इन द नेक्स्ट थ्री डेज बहुत सारा कम्युनिकेशन होने वाला है आपका किसी के साथ अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं जो बातचीत करके सॉर्ट आउट करे जा सकते हैं सो आई गेस कि आपके और उस पर्सन के बीच में कुछ तरह का कम्युनिकेशन होगा जहाँ पे जितना आप प्यार और रिस्पेक्ट के साथ आप उस पर्सन से अगर बात करोगे तो उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट के साथ वो पर्सन भी आपसे बात करेंगे और आप एक सल्यूशन पर पहुँच सकते हो राइट right? कम्युनिकेशन दिखा रहा है कि इट्स अ काइंड ऑफ फ़ोन कॉल मैसेजेस, ईमेल्स ये लोग ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी लाइफ में इन द नेक्स्ट थर्टी डेज़ सो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है इन द नेक्स्ट थर्टी डेज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ओके सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कि ग्रुप नंबर वन के लिए नेक्स्ट थर्टी डेज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं so we have is the page of pentacles the moon card queen of swords and we have six of cups queen of swords yahan wapas dikha raha hai communication ko aur straight forward uh, jo hain baatein ho rahi hain आई गेस कोई past का कोई ऐसा person था जो आपकी life में था past में या अभी भी है but आपका past में कुछ ना कुछ uh, उनके साथ हुआ है इश्यूज हुए हैं या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं सो so, ये हो सकता है कि आपको उनके साथ एक फिर से क्लियर कट बात करने का मौका मिले मे uh, बी वो जो पर्सन था वो आपकी लाइफ में काफ़ी स्पेशल था इन दी पास्ट और uh, कुछ टाइम में जो इतना फ्लक्चुएशन आया आपके और उनके रिलेशनशिप के बीच में तो एक ओपन कम्युनिकेशन जो है आप दोनों को चाहिए अपने बीच में तो वो आई गेस कि आप लोग करने वाले हो तो आपके जो इमोशंस है वो सरफेस पे आ सकते हैं आप क्लियर कट कर बातें करने वाले हो बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे क्लैरिटी जो है आपके रिलेशनशिप में मिल जाएगी नेक्स्ट थर्टी डेज में मुझे आपके करियर वाइज एक नई शुरुआत दिखा रहा है बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे तो एक न्यू बिगनिंग इन योर करियर इट कैन बी कि आप इन द नेक्स्ट थर्टी डेज आप सोच सकते हो कि मुझे अपना करियर पाथ क्या चुनना है या आप उसके लिए एक्चुअली में फ्रेश स्टार्ट ले सकते हो आप कोई कोर्स कर सकते हो आप किसी कंपनी uh, में अप्लाई कर सकते हो सो इट्स लाइक कि आप एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग ले रहे हो इन द नेक्स्ट थर्टी डेज रिगार्डिंग योर करियर और आप काफ़ी पैशनेट हो उस चीज को लेके, आपका जो बेसिकली uh, जो आपकी जो पर्सनैलिटी रहेगी ना वो इस तरह की रहेगी कि आप बाहर से लोगों को दिखाओगे कि आई एम सो टफ आई एम सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है जस्ट लाइक क्वीन ऑफ सोर्स की यू you नो know, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है एंड यू नो मैं तो एकदम आई बिलीव इन स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आई एम वेरी प्रैक्टिकल और आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहे हो लोगों को मतलब आपकी बातों में इमोशंस और फीलिंग्स जो है वो नहीं झलक रहे हैं राइट बिकॉज आप ये शो करना चाह रहे हो कि देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ बट अंदर से कहीं कही ना कहीं आप वही एक वेरी सेंसिटिव पर्सन हो बट आई गेस कि आपको पास्ट में अपनी सेंसिटिव नेचर की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई ज्यादा इश्यूज हुए आपकी लाइफ में और यू you नो know, आपको लोगों ने काफ़ी हर्ट करा और यू uh, नो you know, आपको गलत समझा या आप लोगों की बातों में आ गए तो एक तरह से काफ़ी इमोशन uh, आपका जो इमोशनल साइड है ना वो बहुत ज़्यादा डीप है तो आप वो जो डीप साइड है ना उसको एक्सप्लोर अब नहीं करना चाहते हो आपका वो जो इमोशन वाला साइड है ना वो आप अंदर ही रखना चाहते हो अपने उसको और बाहर से फॉर द वर्ल्ड यू वांट टू बी लाइक कि आई एम वेरी स्ट्रांग एंड स्ट्रांग माइंडेड पर्सन तो जो भी अगर आपसे बात भी करेगा ना तो डैट पर्सन विल बी लाइक कि विल बी विल बी सरप्राइज कि आप कितना चेंज हो गए हो कि अब आपकी लाइफ में इमोशनल टॉक्स की कोई इतनी वैल्यू नहीं है आप प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें जो है वो करना चाहते हो आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो बाहर से बट इंटरनली कहीं ना कहीं यू नो दैट यू हैव दैट सॉफ्ट साइड जो कि आप नहीं शो करना चाहते हो लोगों को बिकॉज आप फिर से वही तरह का हर्ट नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में आपकी ग्रोथ हो रही है इन द नेक्स्ट थर्टी डेज इन द सेंस कि इमोशनली भी आप एक ग्रोथ है सिक्स ऑफ कप्स की आपका जो पास वर्जन था कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा इमेचोर था वो एक चाइल्ड लाइक -like था बट अब जो एक वर्जन आ रहा है आपका वो एक काफ़ी हद तक एक मेच्योर्ड और एक सुलझा हुआ इंसान है तो आपके अंदर एक समझ आ रही है समझदारी आ रही है भले अंदर से आपको अभी भी लाइक like, वो एक एक चाइल्ड है आपके अंदर एक इमोशन सेंटिमेंट्स है आपके अंदर बट यू नो फॉर द आउटर वर्ल्ड यू आर वेरी मेच्योर पर्सन तो कोई आपको देख के नॉट यू नो कैन के नॉट प्रिडिक्ट कि आप अंदर से इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो या एक बिल्कुल लाइक अ चाइल्ड का दिल होता है वैसा दिल है बिकॉज यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ इमोशंस कि मुझे इन इमोशंस के चक्करों में नहीं पड़ना है मुझे अपना माइंड जो है वो स्ट्रांग रखना है शार्प रखना है और मुझे किसी भी तरह की नॉनसेंस को जो है वो टॉलरेट नहीं करना है लाइफ में यहां से और लिख लेते हैं फॉर यू नेक्स्ट थर्टी डेज फॉर ग्रुप नंबर वन वी हैव सफरिंग इन साइलेंसन वी हैव रिजॉयस इन सेलिब्रेशन हार्ट चक्रा एंड वी हैव हार्क आप आप ये बोल रहे हो कि बहुत हो गया अकेले में सफर करना बहुत हो गया अंधेरे में रहना बहुत हो गया अपने आप को परेशान करना इस तरीके से और यू नो घुट घुट के जीना जिंदगी में दूसरों की वजह से खुद का दिमाग खराब करना दूसरों की वजह से खुद इस तरह की लाइफ जीना कि दूसरे तो मजे में रह रहे हैं बट आप उनकी वजह से आप टेंशन ले रहे हो राइट right? या फिर बहुत हो गया आ, वो ही सेम टू सेम रूटीन पैटर्न फॉलो करना वही नेगेटिव सोचना वही सब कुछ जो भी टॉक्सिक चीजें हैं आपकी जिंदगी में यू आर सेइंग कि बस बहुत हुआ अब मुझे इस तरह की लाइफ नहीं चाहिए कब तक मैं इस तरह की लाइफ जीऊंगा या फिर जीऊंगी राइट आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ आई वॉन्ट आई वॉन्ट सम चेंज इन माई लाइफ राइट तो आप वो चेंज ला रहे हो एक्चुअली में नेक्स्ट थर्टी डेज में आई गेस कि आप अगर आपका नेचर इन दिनों बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गया था आप किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे थे आपको बाहर जाना पसंद नहीं था आप एक तरह से एक डिप्रेस जो एक इंसान होता है वैसे बिहेव कर रहे थे आप थे नहीं बट आप बिहेव वैसे ही कर रहे थे राइट आपकी पर्सनालिटी में से वो झलक रहा था आपके जो फेस पे वो दिख रहा था कि आप परेशान हो राइट तो आप आई गेस कि ये जो चीज़ है ना इसको आप छोड़ रहे हो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप बाहर से अपने आपको बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हो राइट तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आ गया है आप बाहर निकल रहे हो घर से आप पार्टी कर रहे हो आप सेलिब्रेट कर रहे हो आप लोगों से मिल रहे हो आप सोशलाइज़ कर रहे हो आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो यू you नो know, आपका मन करेगा कि मैं बाहर निकलूँ मैं मिलूँ लोगों से एंड बहुत टाइम हो गया है मेरा इंट्रैक्शन हुए हुए लोगों से तो आप बाहर निकल रहे हो और मैं को ऐसा सेलिब्रेशन भी आ रहा है आपकी लाइफ में तो आप उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हो ऐसे बहुत टाइम बाद दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं तो चलो पार्टी करते हैं या बहुत टाइम बाद आप किसी से मिल रहे हो चलो पार्टी करते हैं या कुछ ऐसा ओकेजन आया जहाँ पे आपको सबसे मिलने का मौका मिल रहा है तो यू नो जस्ट पार्टी सो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन इज कमिंग इन योर लाइफ जो कि आपको थोड़ा सा सोशल बना रहा है प्लस यहाँ पे हार्ट चक्र हीलिंग एक्चुअली में हो रही है आपकी कि, कि आपने आपने जो तो सीख लिया है ना कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है कितना कितना वैल्यू का इमोशन किसको दिखाना है राइट right? वो आपको समझ में आ गया है अब तो आपकी जो हीलिंग है वो स्टार्ट हो गई है तो नेक्स्ट थर्टी डेज में आपकी जो हार्ट चक्रा हीलिंग है वो काफ़ी हो जाएगी नाउ यू आर हैव टोटल कंट्रोल ओवर योर इमोशंस आप ओवर सेंटिमेंटल नहीं हो आप आपको डिप्रेशन फील नहीं हो रहा है आपको आपको लविंग थाट्स आ रहे हैं अंदर से भी राइट आप आप दूसरों को माफ करना सीख रहे हो आप काइंडनेस सीख रहे हो राइट right, भले आप बाहर से अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हो बट अंदर से आप एक काइंड पर्सन बन रहे हो एक अच्छे इंसान बन रहे हो एक एक बहुत ही इस तरह के पर्सन बन रहे हो जिसके अंदर से वो पॉजिटिविटी रेडिएट हो रही है और उस वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं किसी के साथ भी चाहे विथ योर पार्टनर हो सकते हैं विथ योर फैमिली और विथ योर फ्रेंड्स वो बहुत अच्छे हो रहे हैं बड़े हार्मनी में आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप आपके रिश्ते बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं और आप और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप स्पेशली काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहा है एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हो बिकॉज आप अपने इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ गए हो ना तो आपकी इस एनर्जी का भी इफेक्ट सबके ऊपर पड़ रहा है आपके जो आसपास के लोग हैं आपका जो कैरियर है या आपकी जो पर्सनैलिटी है सबके ऊपर पड़ रहा है राइट तो स्पेशली फॉर योर रिलेशनशिप्स आपकी इस चेंज का जो इफेक्ट है वो सबके ऊपर पड़ रहा है तो एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में यहाँ से देख लेते हैं नेक्स्ट थर्टी डेज नंबर वन वी हैव अ लॉन्ग जर्नी इिजिकल और मेंटल दैट टू लीव यू वाइज एट देंड तो ये जो एक थर्ड डेज रहेंगे एक जर्नी रहेंगे आपके लिए जिसके एंड में आप काफी वाइज पर्सन बन जाओगे एंड मे बी इन द नेक्स्ट थर्ड डेज आप एक सच में एक जर्नी कर भी सकते हो आप घूमने फिरने जाओ या ट्रेवल हो सकती है आपकी पे अटेंशन टू योर हेल्थ येस योर फोकस विल बी ऑन योर हेल्थ बिकॉज ये जो डिप्रेशन है इस वजह से आपकी हेल्थ खराब हो रही है ये जो आपके आस पास के लोग हैं ये जो इमोशनल बर्डन है इस वजह से आपकी हेल्थ खराब हो रही है तो आप अपनी हेल्थ का स्पेसिफिकली ध्यान रख रहे हो नेक्स्ट थर्टी डेज में फियर अर वरी टेंट सिचुएशन तो आप इस टेंशन फीयर वरी जो एनर्जी है लाइन ऑफ सोर्स की आप इससे बाहर निकल रहे हो अब जो होगा वो होगा यू आर इन जस्ट इंजॉयंग योर लाइफ दैन चेन ऑफ इवेंट्स अफेक्ट योर लाइफ काफी इवेंट्स होने वाले हैं द नेक्स्ट थर्टी डेज जो कि आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे ऑफकोर्स वेरी पॉजिटिव इवेंट्स नथिंग नेगेटिव बट इट विल इवेंट कि चल रहा है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है जिससे आपकी ग्रोथ हो रही है आपको कुछ आप कुछ अचीव भी कर रहे हो भले छोटे लेवल पे कर रहे हो बट कुछ ना कुछ अचीव भी कर रहे हो और उस वजह से आपको बड़ा प्राउड भी फील हो रहा है अपने आप पे कि मैंने ये काम करा है हार्ड वर्क है तो हार्ड वर्क भी करोगे नेक्स्ट थर्टी डेज में यानी कि आप आपसे मस्ती कर रहे हो वर्क नहीं कर रहे हो वर्क भी कर रहे हो अपने काम पर भी ध्यान दे रहे हो डिप्रेशन एंगजाइटी दैट समबन इज़ अगेंस्ट यू ये जो फीलिंग थी आपके अंदर कि डिप्रेशन एंगजाइटी वाली फीलिंग कोई आपके खिलाफ है लोग आपके अगेंस्ट है दुनिया आपके अगेंस्ट है इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो इन द नेक्स्ट थर्टी डेज और आप एक अपने आप को एक अच्छा एक हैप्पी you पर्सन know, में कन्वर्ट कर रहे हो मनी प्रॉपर्टी थ्रो इनहेरिटेंस विनिंग और विनफॉल तो कुछ लोगों का के प्रॉपर्टी केस सॉल्व हो सकता है कुछ लोगों को यू नो मनी सोर्सेस जो है वो ओपन हो सकते हैं आपकी लाइफ में और यहाँ पे uh, कुछ ऐसे पाथ ओपन हो जाए आपके लिए जहाँ पे आप मनी अर्न कर सको तो मनी के जो पाथ है ना वो आपके लिए खुल रहे हैं अगले थर्टी डेज़ में आपके लिए हम लास्ट एडवाइस ले लेते हैं कि एडवाइस क्या है फॉर यू फॉर द नेक्स्ट थर्टी डेज़ सो ग्रुप नंबर वन को किन आपका ध्यान रखना है एडवाइस फॉर नेक्स्ट थर्टी डेज़ We have taking shelter, the answers are within. जो भी आपके सवालों के जवाब है वो आपके अंदर ही आपको अंदर से ही रियलाइज होगा कि मुझसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं मेरी क्या वीकनेस है मेरी क्या स्ट्रेंथ है, है तो अपने अंदर जाको और उसका तरीका यह कि मेडिटेशन करो यू विल फाइंड योर आंसर्स इन साइड यू ओनली एंड वी एम अनक ट्रेजर बीनीथ द सर्फेस लाइज ग्रेट बाउंट्री तो अभी आपको भले ही वो एक फ्लैट सर्फेस लग रही है आपकी लगे कुछ भी नहीं है बट अगर उसको तो थोड़ा सा डिग करोगे तो आपको ये ग्रेट बाउंड्री मिलेगी आपको एक खजाना मिलेगा अंदर से राइट तो ये नहीं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो आप बड़े उदास हो रहे हो एक अच्छी चीज़ भी आ रही है आपकी लाइफ में और काफ़ी हैप्पी हो जाओगे आप जब उस चीज़ को पाओगे लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद को स्टेबल होना पड़ेगा तो अपने आप को स्टेबल करो अपने आप को हैप्पी करो उसके बाद आपको जो यूनिवर्स है ये आपकी हैप्पीनेस ये ट्रेजर आपको देंगे इन द नेक्स्ट थर्टी डेज ओके सो ग्रुप नंबर वन ये है आपकी रीडिंग प्लीज टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम बाय टेक केयर हेलो ग्रुप नंबर टू तो आपने चूज कराया है कार्ड डिवाइन हीलिंग आपके लिए मैसेज है ऑन योर सेंसिटिविटी रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स सो बहुत ही ब्यूटिफुल एंड काइंड लोगों का पाइल है ये आपका भी सेंसिटिव हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि आपकी जो ये सेंसिटिविटी है वो आपकी वीकनेस है आप स्ट्रांग नहीं हो अंदर से पर ऐसा कुछ भी नहीं है आप बस उसका यूज करना नहीं जान रहे हो राइट right? आप उसको यूज़ कर रहे हो फॉर द नेगेटिव इमोशंस बट यू हैव टू रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील आपको थोड़ा सा अपने आप को रिचार्ज करना पड़ेगा हील करना पड़ेगा कब तक आप दूसरों के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहोगे आपको अपने आप को हील करना है पहले राइट right? एक लाइन uh, है ना कि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम टी कप तो अगर आप ही खाली हो अंदर से तो आप दूसरों को कैसे फिल करोगे ओके तो आपको अपने आप को हील करना है आपको अपने आप को रिचार्ज करना है आपको अपनी सेंसिटिविटी को अपनी पावर बनानी है आपको अपनी हार्ट चक्र हीलिंग करनी है और आप इतने पॉजिटिव होना कि आप दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हो आप में इतनी पॉजिटिविटी है इतनी स्ट्रेंथ है बट आप जो है इसको अपनी वीकनेस मान के बैठे हो तो आपको अपने आप को ये हील करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट थर्टी डेज चलिए ग्रुप नंबर टू आपकी रीडिंग शुरू करते हैं सो नेक्स्ट थ्री डेज में ग्रुप नंबर टू के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं वी हैव nine ऑफ wands, seven ऑफ कप्स six ऑफ wands. नाइट ऑफ कप्स विक्ट्री आ रही है आपके लिए नेक्स्ट थर्टी डेज में किसी चीज में ऐसी चीज में जहां पे आप अभी बहुत ज्यादा कन्फ्यूज हो फंसे हुए हो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है लेकिन फिर भी आप बड़े स्ट्रांग होके वहां खड़े हुए हो राइट right? आपका नेचर है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कि आप कन्फ्यूज जल्दी हो जाते हो यू हैव हार्ड टाइम मेकिंग चॉइज बट स्टिल आप जो भी चीज़ चूज कर रहे ना, आपको वहाँ पे विक्ट्री मिल रही है आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो ग्रुप नंबर टू ठीक है आप इजिली अप करने वालों में से नहीं हो आप दूसरों को इंस्पायर करने वाले लोगों में से हो राइट आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आएगी ना तो आप उसमें भी इंस्पिरेशन ढूंढ लोगे आप इस तरह के पर्सन हो तो यही जो आपका नेचर है यही जो आपको पावर दी है गॉड ने डिवाइन ने राइट आप उसका यूज कर रहे हो और किसी तरह की विक्ट्री जो है आपको सिक्स ऑफ वॉन्स की फॉर्म में मिल रही है ऑफ होगा इज कार्ड ऑफ विक्ट्री तो आप कुछ चीज़ कुछ जीत हो रही है आपकी राइट किसी किसी भी चीज में मे बी ये जैसे कि और ये जीत ऐसी जीत नहीं है कि जो बहुत नॉर्मल हो इट्स लाइक किसी ने बड़ा आ, तपस्या करी है इस चीज के लिए वो चीज़ यहां आपको मिल रही है तो यहाँ पे या तो ये जैसे कि होता है ना कि एक हमारा रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बड़े बहुत ही पंगे चल रहे हैं रिलेशनशिप में लेकिन फाइनली विक्ट्री मिल रही है वहाँ पे वो वाली फीलिंग या आपने बहुत बार अब रिजेक्ट हो चुकी हो इंटरव्यू में सो फाइनली दिस टाइम आप क्रैक कर रहे हो अब बहुत बार आपका बहुत बार सिलेक्शन नहीं हुआ उस एग्जाम में लेकिन इस बार फाइनली हो रहा है तो वो वाली विनिंग जो कि बहुत टाइम बाद मिली हो ये वो वाली विनिंग है राइट तो आप इस बार सही फैसला ले रहे हो आपको इस बार एकदम आ, सही डिसीजन आपने लिया है और आपको यहाँ पे विक्ट्री मिल रही है और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रपोजल भी है कुछ लोगों के लिए शादी का प्रपोजल आ रहा है जो लोग सिंगल न, आपके पार्टनर जो है आपको प्रपोज कर रहे हैं आपके लिए प्रपोजल आ रहा है फॉर द अरेंज मैरिज एंड इफ यू गाइज आर कमिटेड तो आपके पार्टनर जो है आपको यहाँ प्रपोज कर सकते हैं फॉर फॉर मैरिज या इफ़ नॉट प्रपोजल देन जस्ट लाइक यू नो एक अच्छा टाइम स्पेंड करना रोमांटिक टाइम स्पेंड करना विथ योर पार्टनर आपके पार्टनर का जो मिजाज है वो काफ़ी रोमांटिक रहेगा तो आपकी लव लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी इन द नेक्स्ट थर्टी डेज़ और अगर बहुत टाइम से अगर स्ट्रगल भी चल रहे हैं आपकी लव लाइफ में तो वो भी खत्म होंगे अगले तीस दिन में और आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे विथ विथ अ पर्सन नेट सी फ्रॉम योर नेक्स्ट थर्टी डेज फॉर ग्रुप नंबर टू वी हैव रिकोगशन एंड रिवॉर्ड ये अगेन अ विक्ट्री कार्ड कि एक रिवॉर्ड रिकोगशन कुछ ना कुछ प्राइज़ मिल रहा है कुछ ना कुछ मेडल मिल रहा है आपको कुछ ना कुछ एक रिवॉर्ड मिल रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स जैसे आप डिज़र्व करते हो इस चीज़ को आपने वर्क करा है इस चीज़ के लिए यू डिज़र्व दिस अवार्ड कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में सेक्रीफाइस पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड ओके दोनों कार्ड खुल के दोनों लेते हैं वी हैव यूनिवर्स कार्ड एंड देन वी हैव सेलब्रेशन कार्ड सो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है कुछ ना कुछ एंजॉय वाउ द्री थ्री एंड वन प्लस टू इज थ्री एंड यहाँ पे टू प्लस वन थ्री तो थ्री 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 सो मे बी ये एंजल नंबर जो है इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए थर्टी थ्री 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 ये ये जो नंबर है आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा राइट एंड यहाँ पे जो है आपने जैसे कि सेक्रीफाइस बहुत करा अपनी life. So, it means कि patience बहुत है अपनी लाइफ में इट मीनस की पेशेंस बहुत रखा है सिचुएशंस टफ से टफ रही हूँ आपकी जिंदगी में लेकिन आपने जो चीज़ नहीं छोड़ी है वो है बिलीव ऑन डिवाइन ये आपकी पावर है ये आपके अंदर एक ताकत है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए ना आप प्रेयर करना नहीं छोड़ते हो आप उस ऊपर वाले पे यकीन करना नहीं छोड़ते हो तो तब तो यूनिवर्स आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं यूनिवर्स तो खुद आए हैं आपके लिए यूनिवर्स आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं यूनिवर्स है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहे हैं अगले थर्टी डेज में राइट पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड तो चीज़ें जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी है यहाँ पर ट्रैवल से आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है राइट right? कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रीलोकेशन है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी लाइफ अगर एक जगह स्टक थी तो वहां से आगे बढ़ रही है इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन तो आपका चाहे रिश्ता हो चाहे आपकी हेल्थ हो चाहे आपका लाइफ हो दैट इज गोइंग इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन टूवर्ड्स द विक्ट्री टर्ड्स द गोल एंड सेलिब्रेशन भी है कुछ ना कुछ इन सेलब्रेशन आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने इस विक्ट्री को या कुछ ना कुछ सेलब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में यू आर इन्जॉइंग विद फ्रेंड्स विद यर फैमिली सो इट्स लाइक गैदरिंग यूनियन एंड ऑल्सो समथिंग कुछ कुछ जीत रहे हो कुछ कुछ कहीं विनर बन रहे हो कुछ अचीव कर रहे हो एनी थिंग राइट बट ये सेलिब्रेशन वाली फीलिंग है अगले थर्टी डेज में आपके लिए एंड यूनिवर्स इज टोटली विथ यू यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू कुछ लोगों का अगर ड्रीम है टू तो गो अब्रॉड तो उनके लिए भी वो पॉसिबल होगा लेट्स सी फ्रॉम योर नेक्स्ट थर्टी डेज ग्रुप नंबर टू वीव एडवाइस फ्रॉम अ गुड फ्रेंड आई गेस अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो काफी स्टूपडली बिहेव करता है कभी कभी राइट right, वो oh, आपको भी कंफ्यूज कर देता है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो इनके संग बात करना आपको लगता है कि टाइम तो वेस्ट है बिल्कुल तो ऐसे लोगों से दूर रहना बस ठीक है कि जो इस तरह के पर्सन हो जो आपको लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव नहीं ऐड कर रहे हैं आपकी लाइफ में तो ऐसे आर्ग्यूमेंट या ऐसे पर्सन से दूर रहना एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड तो एक अच्छा लॉयल फ्रेंड जो है वो आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकता है फिर कोई फ्रेंड है या मैंटर है या कोई टीचर है या फिर कोई फैमिली मेम्बर है बट समबडडी इज गिविंग यू अर वेरी गुड एडवाइस इन द नेक्स्ट थर्टी डेज अनसक्सेसफुल प्लान तो जो प्लान अनसक्सेसफुल रहे हैं वो अब सक्सेसफुल होंगे आपके लिए टेम्प्रेरी सिचुएशन बिकॉज जो टेम्प्रेरी सिचुएशन थी आपकी लाइफ की कि ये ये जो डाउन फेज था ये आपकी लाइफ में आना ही था ये होना ही था ऐसा राइट right? बिकॉज आपको आगे बहुत कुछ अच्छा मिलना था क्योंकि तो उस टाइम वो प्लान आपका अनसक्सेसफुल रहा टावर सॉलिड फाउंडेशन सक्सेस विथ एफर्ट तो आपने उसके बाद जो एफर्ट मारा उस वजह से आपको सक्सेस मिल रही है पहले आपने उतना एफर्ट नहीं करा था तो आपका प्लानिंग भी सक्सेसफुल नहीं हुई बट अब आपने एफर्ट मारा है तो आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट मिल रहा है एरो यू आर इन द राइट डायरेक्शन रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो अगर आप कंफ्यूज हो रिगार्डिंग समथिंग इन योर लाइफ कि आप सही जा रहे हो नहीं जा रहे हो तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ डोर अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू तो दरवाजा जो है खुल रहा है आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है इसके पीछे खुशियां हैं आपके लिए सो दिस गेट इज ओपनिंग फॉर यू एंड वी हैव वेल्थ यस मनी सोर्सेज भी खुल रहे हैं आपके लिए मनी इनकम इंक्रीमेंट्स मनी सोर्सेस आपके लिए ओपन हो रहे हैं ग्रुप नंबर टू लेट सी फ्राम योर एडवाइस क्या रहेगी आपके लिए फॉर द नेक्स्ट थ्री डेज वी हैव मेरिकल्स एक्सपेक्ट दन रस टू इमर्ज यस जो भी होगा ना आपकी लाइफ में तीस दिनों में वो किसी मेरिकल से कम नहीं होगा तो इट्स लाइक आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा बट यूनिवर्स फिर भी आपकी लाइफ में वो मेरिकल दे रहे हैं बिकॉज आप डिजर्व करते हो उस चीज़ को एंड वी हैव ओवरकमिंग ऑबस्टिकल्स यू कैन ओवरकम एनी थिंग सी यहाँ पे आप कुछ भी ओवरकम कर सकते हो अपने हार्डवर्क से अपने डिटर्मिनेशन से तो यही जो आपका एटीट्यूड रहेगा ना कि मुझे मुझे बस ऑब्स्टिकल्स को हटाना है रस्ते से चाहे कितने बड़े ऑब्स्टिकल हो तो so, आप वो चीज़ करोगे आप डिटरमाइंड हो आप स्ट्रांग हो और आप हर चैलेंज से जीत रहे हो इन द नेक्स्ट थर्टी डेज ओके सो ग्रुप नंबर टू वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग प्लीज टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम बाय टेक केयर